वेलकम गाइस, जीके एम्स क्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और स्टूडेंट आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन हम साइंस एमके चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, साइंस एमके चैनल। और यहाँ पर हम केमिस्ट्री आपको दे रहे बायोलॉजी जी के लोन यानी कि जे के लोन पर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, दोनों चैनलों के लिंक नीचे दे दिए है, ठीक है, ताकि वहाँ से आपको फिजिक्स और बायोलॉजी का भी बंदोबस्त हो सके, राइट। तो चलिए शुरू करते विद्युत रसायन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, ऑप्शन आपके सामने है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर होल टू स्क्वायर, या फिर ओम माइनस वन सेंटीमीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नॉलेजफुल होते हैं। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है, परमाणु द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान, अणुद्रव्यमान, या फिर सक्रिय मात्रा। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, ठीक गाइस, पहले आपको लगाना है, तभी तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना आएगा। लगा दिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि सक्रिय मात्रा, यानी कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है, सक्रिय मात्रा पर। अगला क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 100 यानी कि 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 फेराडे, या फिर 2 एम्पियर। गाइस किसी पर भी टिक लगाओ, बट टिक लगाना है आपको, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो सके और आपको खुद को पता चल सके कि हम कितनी गहराई में है, राइट। सो आपने कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 फेराडे, ठीक। सो जिन्होंने ऑप्शन सी पे टिक लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद उन स्टूडेंट्स को, तहे दिल से स्वागत है उनका। और जिनको नहीं आया है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, वीडियो को 4-5 बार देख ले, यही पनिशमेंट है उनकी। विद्युत अवघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से गाइज आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है, ऐसे क्वेश्चन करना आ गया ना तो आप कहीं पर नहीं रुकोगे, आपका जो फ्यूचर है ना वो इस रॉकेट की तरह ऊपर जाता रहेगा, यानी कि अच्छा होता रहेगा, ठीक है, ग्रो करता रहेगा। विद्युत अवघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, ऑक्सीकरण, अवकरण, विघटन, जल अवघटन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि विघटन। और गाइज पीडीएफ लिंक हम फेसबुक पर अवेलेबल कराते हैं, फेसबुक पेज पर, ठीक है, पीडीएफ लिंक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, पारा सेल, डेनियल सेल, ईंधन सेल, या फिर लेड संचय सेल। कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि ईंधन सेल। क्वेश्चन तो रोजाना आपको मिलते रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सभी टाइप के,
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको। तो बस निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? स्टेडियम, फेरस, जिंक, मैग्नीज आपने चूज कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नीज, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीज ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है सर्वाधिक। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है। और कितनी करता है पता है क्या गाइज आपको, किसी को ऑप्शन में दे दिया जाए प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन या फिर प्लस एट, किस पर टिक लगाओगे आप? मैं भी प्लस सेवन पर लगाओगे, ठीक है? आपका क्या काल है कमेंट करके बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लेग लॉन्च सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक सेल आपको बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है, किस धातु की आयरन ऊर्जा सबसे कम है? लिथियम, पोटियम, सोडियम, सीजियम, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किस धातु की आयरन ऊर्जा सबसे कम है तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन लेथेनॉइड अनुचुंबकीय है? मैंने आपसे बोला भी था कि आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, है ना, इनके एग्जांपल आपको याद रखने। कौन लेंथेनॉइड अनुचुंबकीय है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, परजिटम, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एजी। तो एजी के धातु के लवण के जले विलयन से विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चाहिए तो आप तो कमेंट कर देना, किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए ना, हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के देंगे उसका, ठीक है? फेसबुक पर फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दे दिया है हमने हमारी फेसबुक का, ताकि वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड हो सके पीडीएफ। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, प्रबल अपचायक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रॉन्ग अपचायक, प्रबल अपचायक आपको बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेल स्तरांक की इकाई है, सेल स्तरांक की इकाई है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सेल स्तरांक की इकाई आपको बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंटीमीटर यूनिट्स, ठीक है? नेक्स्ट, फेराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, धनायन की गति से, धनायन के परमाणु भार से, ऋणायन की गति से, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से? फेराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है,
इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती, दुगनी होती है, बताइए। टेम्परेचर में इंक्रीज होने से धातु की चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है धातु की चालकता पर? अगर मान लो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो धातु की चालकता बढ़ेगी, घटेगी, या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर दुगनी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घटती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से धातु की चालकता क्या होती है, चालकता घटती है। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से धातु की चालकता घटती है, ठीक है, विक्त अनुपाती होती है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नांकित में किस प्रकार संबंधित है? चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्न में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, किसी पर टॉपिक पे चाहिए ना आप तो टॉपिक लिख देना कमेंट में, हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के देंगे उसके, जैसे कि विटामिन पर चाहिए आपको, विद्युत धारा पे चाहिए, ठीक है, प्रतिरोध पर चाहिए, प्रत्यावर्तित धारा पे चाहिए, जो भी चाहिए बता देना आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सी इज इक्वल टू 1/r। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्न से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन सी। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है कहते हैं डायनेमो, निकलेट सेल, ईंधन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईंधन सेल। अगला, फेराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, फेराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। पहले आपको बताना इसका आंसर ईमानदारी से, क्योंकि आपको अपने आप को धोखा थोड़ी देना है, ठीक है, नहीं देना ना तो बताओ आंसर, लगा देगा टिक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत के समतुल्य भार से। नेक्स्ट, कमेंट करके बताया करो गाइस कैसे आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, लाइक बनता है, ठीक है, ताकि लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिले और बहुत ही अच्छे अच्छे आपके लिए एमसीक्यूज लेकर हम आए। निम्न में से एक आयनिक यौगिक है, एल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, शक्कर या फिर सोडियम नाइट्रेट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। और गाइस यहाँ पर हम केमिस्ट्री का, फिजिक्स का चाहिए ना आपको, फिजिक्स जिसको बहुत ही विज्ञान बोलते हैं, ये हम साइंस एम के चैनल पर अपलोड कर रहे हैं इसी तरह के वीडियो फिजिक्स के, साइंस एम के चैनल, ये यहाँ पर हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, अगर फिजिक्स के चाहिए तो साइंस एम के जाके साइंस एम के चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की थोड़ी हैबिट होती है कि ज़्यादा एमसीक्यूज करें अपन, अच्छी आदत होती है पढ़ने की, अच्छी आदत होती है उनकी, तो उनके लिए हमने बोला है, ठीक है, और भी मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए। तो सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कसने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, बताइए। F2Na, F2H2, O2Na, O2H2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, O2H2। सो गाइज आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आपने अभी यहाँ पर 20 क्वेश्चन करे, अब 20 में से कितने नंबर आपके आए आप खुद अनुमान लगा सकते हो, कितने सही किए आपने, कितने गलत किए, ठीक है। और रही बात, अभी हम आपको दिखाएंगे देखो और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तरीका।
सो गाइज, जो साइंस एम के चैनल है, साइंस एम के, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और जे कलोन जॉब चैनल है, उसको चलो हम यहाँ पर दिखा देते ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। सो गाइज, ये है साइंस एम के चैनल, देख पा रहे होंगे, ये इसका लिंक हमने आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसको जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये देखिए, ये फिजिक्स के। तो जाइए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको फिजिक्स का भी फ़ायदा हो सके।